की खबर से जो पटना से आ रही है। 6 साल के बाद पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव हुए थे और इसको लेकर काफी हो हल्ला और जोर शोर से ये चुनाव हुआ धूमधड़ाके के साथ। लेकिन अब इस चुनाव में गड़बड़ी को लेकर जो जांच हुई, उस जांच के बाद एक बड़ी खबर ये आ रही है कि छात्र संघ चुनाव में जीते, अध्यक्ष पद पर जीते दिव्यांशु भारद्वाज और उपाध्यक्ष योशिता पटवर्धन का निर्वाचन रद्द कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर पटना छात्र संघ चुनाव से जुड़ी हुई। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में गड़बड़ी के मामले में अब योशिता पटवर्धन, जो कि छात्र संघ की उपाध्यक्ष चुनी गई थी, और अध्यक्ष दिव्यांशु भारद्वाज, इन दोनों का निर्वाचन रद्द कर दिया गया है। हालांकि आजाद चांद, जो कि संयुक्त सचिव है, ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर निर्वाचन हुआ था, उनका निर्वाचन रद्द नहीं हुआ है। आजाद चांद की जीत संयुक्त सचिव के पद पर हुई थी। चुनाव में धांधली का छात्रों ने आरोप लगाया था। इसके बाद जांच कमेटी गठित की गई थी और इस कमेटी ने पूरे मामले की जांच की तो खामियां सामने आई और इसके बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का निर्वाचन रद्द कर दिया गया है। अब हम बताएं कि यह चूंकि मामला क्या हुआ था। दरअसल जो अध्यक्ष हैं छात्र संघ के दिव्यांशु भारद्वाज, उन पर आरोप था कि एक साथ दो अलग अलग विश्वविद्यालयों से, दो अलग अलग यूनिवर्सिटी से एक ही सेशन में डिग्री ले रहे थे। इसके अलावा उपाध्यक्ष पर आरोप लगा था कि योशिता पटवर्धन जो है वो दरअसल पार्ट वन में फेल थी, उसके बावजूद उन्होंने पार्ट टू में प्रमोट करके और उसके बाद उसकी परीक्षा दे रही थी तो उन्होंने चुनाव लड़ा था, जबकि नियम के तहत अगर पार्ट वन में फेल हैं तो उनका निर्वाचन नहीं हो सकता, वो चुनाव में मान्य नहीं है। तो इस आधार पर अब उपाध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों का निर्वाचन रद्द कर दिया गया है। महासचिव पद पर सुधांशु जीते थे, उन्हें 1647 वोट मिले थे और संयुक्त सचिव आजाद चांद को 1545 वोट मिले थे। इन लोगों के निर्वाचन को कोई समस्या नहीं आई है, लेकिन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इन दोनों का निर्वाचन रद्द हो गया है। दिव्यांशु को मिले थे 1862 वोट, निर्दलीय प्रत्याशी थे दिव्यांशु, उनकी जीत हुई थी और अब उनका निर्वाचन रद्द हो गया है। जीत के बाद से ही धांधली के आरोप लगातार लग रहे थे और यह भी एक चुकी मामला आया था कि जब परिणाम आ चुका था उसके बाद यूनिवर्सिटी कैंपस में, कई कॉलेज कैंपस में अलग अलग बैलेट पेपर मिले थे और बैलेट पेपर मिलने के बाद ही छात्रों ने इस पर आक्रोश जताया था, नाराजगी जताई थी। इस पूरे चुनाव को लेकर धांधली के आरोप लगाए गए थे और काफी हंगामा किया था छात्रों ने और उसके बाद जांच कमेटी बनाई गई। जांच कमेटी ने पूरे मामले की जांच की और जांच के बाद जो परिणाम आया है वो ये आया कि छात्र संघ चुनाव में जो अध्यक्ष चुने गए थे वो और उपाध्यक्ष दोनों का निर्वाचन रद्द हो गया है। जी मीडिया संवाददाता प्रीतम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पे। प्रीतम, पहले से ही चूंकि इसको लेकर विवाद हो रहा था, बड़ा धूमधड़ाके से यह चुनाव हुआ था, लेकिन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों, जो सबसे ऊपर का जो दोनों महत्वपूर्ण पद है, दोनों का निर्वाचन रद्द हो गया है। जी देखिए, हमें इस बात को लेकर पक्की जानकारी मिली है कि 2 हफ्ते तक जो जांच कमेटी ने अपना मंत्रणा की, बैठक की, उसके बाद ये निष्कर्ष निकला है कि दिव्यांशु भारद्वाज जो अध्यक्ष पद पर चुने गए थे और योशिता पटवर्धन जो उपाध्यक्ष पद पर चुनी गई थी, इन दोनों का निर्वाचन रद्द हो गया है। आजाद चांद जो संयुक्त सचिव पद के उम्मीदवार थे, जो जिनको जीत मिली थी, इनको राहत दी गई है, इनको, इनका निर्वाचन रद्द नहीं होगा। शुरू से ही मतलब विश्वविद्यालय इस मामले पे ढुलमुल अपना रहा था और जिसकी ये परिणति हुई कि लाख कोशिशों के बावजूद उसके ऊपर ये दाग लगा है कि सर्वोच्च छात्र संघ चुनाव जो है सही तरीके से नहीं करा पाया है। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन कुछ भी खुलकर अभी बोलने से इनकार कर रहा है, लेकिन जब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो इस बात को पूरा खुलासा हो जाएगा कि किसकी गलती हुई थी, जांच कमेटी में कौन लोग थे। और सबसे बड़ी बात, जो प्रक्रिया होती है, एक तो छात्र नॉमिनेशन दाखिल करता है, उसके बाद एक कमेटी बनती है जिसको स्क्रूटनी कमेटी होती है, वो सारे दस्तावेज की जांच करता है कि ये कई प्रमोटेड छात्र तो नहीं है, कि इसकी डिग्री तो फर्जी नहीं है, कि क्या ये छात्र कहीं दूसरी विश्वविद्यालय से तो डिग्री नहीं ले रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, ये सारा काम स्क्रूटनी डिपार्टमेंट का होता है। प्रीतम, ऐसा लगता है कि कहीं चूक हुई, क्योंकि अगर सेम यूनिवर्सिटी से, अगर योशिता का ही मामला ले लें, अगर पहले पार्ट वन में फेल थी तो फिर उनका चुनाव होना ही नहीं चाहिए था, उन्हें चुनाव में खड़ा ही नहीं होना था, क्योंकि ये जांच क्यों नहीं हुई? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब इन लोगों ने अपना नामांकन किया था तो देखिए 6 साल के बाद चुनाव हो रहा था और जो कुलपति थे राजभाई, आपको रोकेंगे प्रीतम, आप हमारे साथ बने रहें। इस वक्त इस छात्र संघ चुनाव में जीते हुए आजाद चांद जी, जो कि संयुक्त सचिव हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आजाद, जरा बताएं, ये मामला जो था काफी विवादों में रहा था, चुनाव के बाद से ही छात्र लगातार हंगामा कर रहे थे और अब अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों का निर्वाचन रद्द हो गया है।
मुझे अभी ऐसी जानकारी पटना विश्वविद्यालय के नोटिफिकेशन के द्वारा नहीं मिली है। और जो भी पटना विश्वविद्यालय का निर्णय आएगा हम उसका सम्मान करेंगे, और जो मेरे ऊपर भी इल्जाम लगा था और मैं उनका सम्मान करूंगा, जो भी फैसला आएगा पटना विश्वविद्यालय का मैं उसका सम्मान करूंगा। और निश्चित रूप से एक तरह से जो देखा जाए पटना विश्वविद्यालय ने जो लंबे समय के बाद छात्र संघ का चुनाव कराया जी, उसके बाद एक लंबे अरसे के बाद जो छात्र संघ चुनाव हुआ उसमें कहीं ना कहीं पटना विश्वविद्यालय ने जो अपना कार्ड दिखाया है कहीं ना कहीं वो सुस्त रवैया था, इसलिए हम लोग को पटना विश्वविद्यालय के छात्रों को काफी नाराजगी भी है। आपको अपने बारे में सूचना मिली या नहीं? आपके बारे में तो कम से कम राहत की खबर आई है आपके? मुझे किसी तरह की पटना विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कोई सूचना नहीं मिली है, क्योंकि आपके लिए तो राहत की खबर है, आपके लिए बताया जा रहा है कि आपका निर्वाचन रद्द नहीं होगा। निश्चित रूप से जो पटना विश्वविद्यालय ने नोटिफिकेशन निकाला था, जिस नोटिफिकेशन के अंदर मैं उसमें एलिजिबल था और मैं चुनाव लड़ सकता था जी, पटना विश्वविद्यालय ने जो नोटिफिकेशन दिया था, जो अपना नोटिफिकेशन निकाला था, उसमें मैं चुनाव लड़ था और मैं उसी कैटेगरिया में चुनाव भी लड़ा हूँ और छात्र छात्राओं का भारी पैमाने पर समर्थन मिला और फिर मैं विश्वविद्यालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी जीत के भी आया हूँ। चलिए, तो कम से कम आपके लिए जरूर राहत की खबर है, आपको जानकारी अभी नहीं है लेकिन हम ये बता दें कि आपके लिए राहत की खबर यह है कि आपका निर्वाचन रद्द नहीं हुआ है, सिर्फ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इन दोनों का निर्वाचन रद्द कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आजाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और प्रीतम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मगध यूनिवर्सिटी के बीडी कॉलेज में छात्रों ने हंगामा किया है। छात्र संघ चुनाव में कई प्रत्याशियों का नामांकन रद्द करने को लेकर हंगामा हो गया। विरोध में छात्रों ने कॉलेज में जमकर तोड़फोड़ की है। जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, छात्रों ने प्रिंसिपल पर मनमानी का आरोप लगाया। तो मगध यूनिवर्सिटी के बीडी कॉलेज का मामला है जहां पर छात्र संघ चुनाव में कई प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हो गया है, इसको लेकर हंगामा। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं हंगामे की, जो यहां पर मिट्टी चारों तरफ से बिखरी हुई है। दरअसल फूलों के जो गमले थे वो उठाकर तोड़े गए हैं, यहां पर साफ तौर पर दिख रहा है, और पूरी सूरत बिगाड़ दी गई है कैंपस की। नामांकन रद्द हुआ कई प्रत्याशियों का, इसको लेकर यहां पर हंगामा हुआ है। विरोध में छात्रों ने कॉलेज में तोड़फोड़ की है, इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची है। प्रिंसिपल पर मनमानी करने का छात्रों ने आरोप लगाया है। छात्रों का कहना है कि प्रिंसिपल की मनमानी की वजह से यह सब कुछ हो रहा है। कॉलेज की तस्वीरें कॉलेज कैंपस की, जहां पर तोड़फोड़ के बाद के ये हालात हैं। जी बिहार झारखंड पर सबसे पहले तस्वीरें, छात्र संघ चुनाव को लेकर यहां पर बवाल हुआ है। मगध यूनिवर्सिटी का बीडी कॉलेज है। जी मीडिया संवाददाता संजय हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हैं। संजय बताएं क्या मामला है जिसको लेकर नाराजगी है? बिल्कुल, मगध यूनिवर्सिटी के छात्रों ने चूंकि पहले भी हंगामा किया था और छात्र संघ में चुनाव में जो प्रत्याशियों के नामांकन रद्द करने को लेकर के कई बार इन लोगों ने शिकायत भी की थी प्राचार्य से, लेकिन प्राचार्य इसकी बात नहीं सुन रहे थे जिसके कारण से हंगामा हुआ है और वहां जमकर छात्रों ने तोड़फोड़ भी की है। हालांकि मौके पर अभी पुलिस पहुंची है और हंगामा को शांत कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो पटना यूनिवर्सिटी की जो बात अभी जानकारी मिल रही है कि वहां पर छात्र संघ के जो अध्यक्ष चुनाव में जीते थे उनका जो नामांकन उनको रद्द कर दिया गया है, फिलहाल इसको लेकर के भी काफी हंगामा वहां बरपा हुआ है। तो इन सभी बातों को लेकर के वहां मौके पर पुलिस पहुंची है और इस समस्या को समाधान करने में जुटी हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल पुलिस पहुंच गई है और पुलिस हालात को नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है। रुक करेंगे अगली खबर का। बिहार विधानसभा परिसर में आज का नजारा कुछ बदला सा नजर आया। दरअसल विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने जा रहे शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा और भाई वीरेंद्र के बीच कानाफूसी की खबर सामने आई। भाई वीरेंद्र ने शिक्षा मंत्री के कान में कुछ कहा, इसका शिक्षा मंत्री ने हंसते हुए जवाब दिया। इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या कोई नई राजनीतिक खिचड़ी पकने लगी है। हालांकि कृष्णनंदन वर्मा ने स्कूल से जुड़ा मामला होने की बात कहकर इसे खारिज कर दिया। आज जो है तस्वीर कुछ और देखने को मिली सदन के बाहर, जो विपक्ष के तेज तरार मुखर जो विधायक हैं भाई वीरेंद्र, उन्होंने शिक्षा मंत्री के कानों में कुछ बोला। शिक्षा मंत्री ने भी बड़ी मुस्कुराहट के साथ चीजों को सुना, क्या था वो जानते हैं सर? माननीय विधायक चाहे जिस किसी भी दल के हों, हमारे विभाग में उनका कोई ना कोई काम होता है, वो एक विद्यालय के बारे में कुछ कह रहे थे और हमने कहा कि हम इसको देखेंगे, अगर होने लायक होगा तो हम करेंगे।
नहीं, सदन के अंदर तो तीखे तीखे सवाल होते हैं, इतनी मधुरता बाहर। लोकतंत्र में ये सब चलता ही रहता है, विपक्ष अपना धर्म का पालन करता है, हम लोग अपना धर्म का पालन करते हैं, बाकी उसके बाद बाकी मित्रता का रिश्ते भी तो रहते ही हैं। ये तो ये दावा करते हैं कि एनडीए के कई लोग हमारे साथ हैं, विधायक हमारे साथ हैं, मंत्री हमारे साथ हैं। उनसे पूछिए, कोई खिचड़ी नहीं है, उनसे पूछिए। चलिए, कोई खिचड़ी नहीं है, भाई वीरेंद्र जी इन्हीं से जान लेते हैं। क्या भाई वीरेंद्र जी, लुभाने में लगे हुए हैं आप? जी जी, लुभाने में लगे हुए हैं आप? आप जानते हैं कि हम आपका खुलकर पक्ष लिए। चलिए देखिए, ये अभी बात हो रही है, खुल के पक्ष लेने और सपोर्ट करने की भी बात हो रही है, तो इन चीजों को हम थोड़ा टटोल लेते हैं, जान लेते हैं क्या सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं मान मनोबल का दौर तो नहीं चल रहा है? अभी मैंने देखा है कि राज्य सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने कुछ लोगों को लगाए हुए हैं शिक्षा मंत्री के खिलाफ में विष बमन करने के लिए, और कहीं न कहीं ये खिचड़ी पक रही है, इनको हटाने की साजिश की जा रही है। चलिए, वो तो उनकी अंदर पार्टी के अंदर की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप विपक्ष में बैठे हैं, हर दिन तीखे सवाल आपके होते हैं, आज ये मधुरता अचानक से कैसे उमड़ पड़ी? व्यक्तिगत संबंध होते हैं और व्यक्तिगत संबंध को आदमी बदल नहीं सकता, राजनीतिक सिद्धांतों की लड़ाई होती है। और आज भी देखे होंगे कि कान में हम कुछ कह रहे थे, कुछ मामले थे, और हम दोनों का रिश्ता बहुत पुराना है, समाजवादी पृष्ठभूमि के मैं भी हूं और वो भी समाजवादी पृष्ठभूमि के आदमी हैं, और कल आज सब देखेंगे आगे क्या होता है। आगे क्या, कान की बात जो है दिल तक पहुंच जाएगी, साथ खड़े नजर आएंगे? ये बात मैं बता दूं कि जहां कहीं भी हमारी बात होती है दिल से बात होती है, और कहीं ऊपर ऊपर बात नहीं करते हैं, और जो मैंने घोषणा किया है वो सत्य होता नजर आ रहा है, आप देख रहे हैं। ये उसकी कड़ी है क्या? अब तो ये नहीं कर सकते हैं, मैंने कहा ना कि अभी कोई खुलासा मैं नहीं करूंगा, आने वाले समय में खुलासा आप देख लेंगे। मांझी जी के बारे में भी मैंने कहा था कि पहले कि वो आने वाले हैं और बात हो गई है, दो दिन में ही साबित हो। ऐसे कितने लोग हैं जिनके कानों में आप जाकर के बोलते हैं? और अभी संख्या उसकी 40 के करीब हो गई है। 24 से 40। चलिए, अब 24 से 40 संख्या पहुंची है, और ये कान की बात दिल तक कब तक पहुंचती है और कब ये बातें जो है वो गुल खिलाती है, ये देखना अहम होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि शिक्षा मंत्री को लेकर के जो हमदर्दी राजद ने दिखाया है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक मायने उसके निकाले जा रहे हैं। कैमरा पर्सन सिंधु मनीष के साथ अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। विधानमंडल का बजट सत्र जारी है और आज भी सदन के भीतर और बाहर जोरदार संग्राम दिखा। आरजेडी ने जहां मूर्ति तोड़ने को लेकर सदन के बाहर प्रदर्शन किया, वहीं माले के नेताओं ने थाने में अग्निशमन यूनिट को लेकर हंगामा किया। माले के नेताओं ने हर थाने में अग्निशमन यूनिट लगाने की मांग की। ये दो तस्वीरें अलग अलग, मूर्ति तोड़ने के खिलाफ जो प्रदर्शन किया वो आरजेडी ने किया, और माले नेताओं का जो प्रदर्शन है कि हर थाने में अग्निशमन यूनिट लगाने की मांग कर रहे हैं, और इसको लेकर उन्होंने नारेबाजी की। दिल्ली में सोनिया गांधी के आवास 10 जनपथ पर डिनर पार्टी का आयोजन किया गया है। सोनिया के डिनर डिप्लोमेसी में बिहार से तेजस्वी यादव और जीतन राम मांझी पहुंचेंगे। इसके अलावा झारखंड के जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन और जेवीएम अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी इसमें शामिल होंगे। आपको बता दें कि 2019 चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ सभी पार्टियों को एकजुट करना इस डिनर डिप्लोमेसी का मकसद है। इसके अलावा नीरव मोदी से लेकर राफेल डील जैसे मुद्दों पर संसद में विपक्षी एकता को कैसे बनाकर रखा जाए, इस पर भी चर्चा होगी। सोनिया गांधी की डिनर पार्टी में तेजस्वी यादव और जीतन राम मांझी के शामिल होने पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बिहार सरकार में मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा है कि डिनर डिप्लोमेसी से कुछ भी नहीं होने वाला, इस तरह पहले भी आयोजन होते रहे हैं। मोदी सरकार के खिलाफ इनकी कोई साजिश नहीं चल सकती, जनता मोदी सरकार के साथ खड़ी है। और नंदकिशोर यादव से बात की जमीरिया संवाददाता अमित कुमार ने। हमारे साथ नंदकिशोर यादव जी हैं। नंदकिशोर यादव जी, तेजस्वी जी और मांझी दोनों सोनिया गांधी के डिनर पार्टी पे गए हैं, ये डिनर पॉलिटिक्स है क्या? क्या है ये देखिए, सोनिया जी के साथ कितना भी खाना खा लें, डिनर कर लें, जो करना हो कर लें, लेकिन जो कांग्रेस देश में डूबती नाव है, एक एक करके राज्यों से समाप्त होती जा रही है, उस नाव पर जो चढ़ेगा उसका भी वही हाल होने वाला है जो आज कांग्रेस का हाल है। सबसे बड़ी बात है कि कहा जा रहा है कि इस डिनर पार्टी के बहाने 2019 की तैयारी हो रही है, केंद्र से नरेंद्र मोदी जी को कैसे हटाया जाए, इसको लेकर के भी खिचड़ी बनाने की बात हो रही है। देखिए, सपना देखना कोई बुरी बात नहीं, कोई पार्टी का सपना देखते हो सपना देखे, लेकिन पूरा देश आज मोदी जी के साथ है, मोदी जी के काम के साथ है,
विकास के साथ है, कितना भी कोशिश कर ले कुछ भी होने वाला नहीं है, देश की जनता मोदी जी के साथ रहने वाली। ये टेबल टॉक तक ही सीमित रहेगा, आपको इन बातों को क्या लगता है? ये पहले भी आप कितनी बार प्रयास हुए, आप गिनती गिन लीजिए, जितने भी प्रयास हुए मोदी जी को हटाने के लिए गोलबंदी की, सारे प्रयास व्यर्थ हो गए, क्योंकि ये लोग स्वार्थ के आधार पर काम करना चाहते हैं, मोदी जी विकास के आधार पर लोगों का दिल जीतना चाहते हैं। एक बिहार के संदर्भ में 3 सीटों पर जो उपचुनाव हुए हैं, कल उसका परिणाम आना है, क्या लगता है, क्या तापमान? देखिए, मुझे तो पूरा भरोसा है कि एनडीए जीतेगा 3 सीट पर, लोगों का झुकाव एनडीए की ओर है, परिणाम कल आएगा, आने दीजिए। महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि 40 लोग हमारे साथ हैं। अब देखो, मैंने कहा ये सब महागठबंधन का आदमी झूठ का पहाड़ खड़ा करना चाहता है, कैसी कैसी बात बोलता है। अभी झूठ का पहाड़ खड़ा करने वाले को एक धक्का दिया जाएगा, सारा पहाड़ भड़बड़ा के गिर जाएगा। आगे आगे देखिए होता है क्या। चलिए आगे आगे देखिए होता है क्या, ये महत्वपूर्ण चीज है। और यही बात भाई वीरेंद्र भी कह रहे हैं कि थोड़ा इंतजार कीजिए जनाब, सियासत में खिचड़ी पकती है तो वो हर जगह बढ़ती है, और खाने के लिए वो तमाम सियासतदान आते हैं जो सत्ता के इर्द गिर्द रहना चाहते हैं। खैर, अब ये देखना होगा कि जो खिचड़ी पक रही है बिहार में सियासत के गलियारे में, वो क्या असर आने वाले दिनों में दिखाएगी। कैमरा पर्सन निशांत के साथ अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। डिनर डिप्लोमेसी पर बीजेपी के आरोपों पर भाई वीरेंद्र ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन का स्वरूप बदल रहा है और यह बड़ा होता जा रहा है। महागठबंधन के सामने कोई और गठबंधन नहीं टिकेगा। आप सभी जानते हैं कि महागठबंधन का स्वरूप बड़ा होने जा रहा है और उसी डिनर में ये लोग तय करेगा कि उस महागठबंधन में, इस एनडीए के खिलाफ में इतना बड़ा महागठबंधन बनेगा कि एनडीए ये नाम ही सुनकर वो खत्म हो जाएगा। भभुआ विधानसभा उपचुनाव में आज 27 बूथों पर मतदान कराया जा रहा है। मतदान को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मतदान केंद्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के हवाले कर दी गई है। मतदान के लिए सुबह से ही लोग कतारों में लगे हैं। दरअसल 11 मार्च को उपचुनाव जो हुआ था उसमें कई जगहों पर ईवीएम और वीवीपैट मशीन खराब हो गई थी। हालांकि जिला प्रशासन ने कई केंद्रों के ईवीएम और वीवीपैट मशीन बदलकर भी कोशिश की थी, लेकिन मतदान नहीं कराया जा सका था। इसकी सूची निर्वाचन आयोग को पटना को जिला प्रशासन ने भेजी थी। निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद आज दोबारा मतदान कराया जा रहा है। 11 तारीख को मतदान नहीं हो सका था क्योंकि ईवीएम में और वीवीपैट मशीन में उस दिन खराबी आ गई थी। हालांकि प्रशासन ने कोशिश की थी कि उसे ठीक कराया जाए और कुछ जगह पे ठीक भी कराए गए थे, लेकिन तब तक काफी समय निकल चुका था जिसकी वजह से मतदान नहीं हो सका। तो कुल 27 ऐसे बूथ हैं जहां पर आज मतदान कराया जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था भी काफी कड़ी है। सुबह से ही लोगों की कतार भी उन बूथों पर देखी जा रही है। अरे सर, क्या सोच कर चला है, हम लोग को जो है विकास चाहिए, हर समय प्रत्याशी को बदलना भी जरूरी है। सरकार बनना से चले, विकास बनना से हो, गली गुच्छा के पास स्वस्थ रहे। कैसा प्रत्याशी चुनना चाहते हैं आप? बढ़िया प्रत्याशी चुनना चाहते हैं। हालांकि यहाँ के स्थानीय लड़ने वाले लोग हैं, जनता को तो जागरूक होना चाहिए, लेकिन ऐसी संभावना है कि लोग खाना वाना बना रहे होंगे, उसके बाद फ्री होके आएंगे। चूंकि सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी है तो जानते हैं कि कितने हो गए जाएंगे तो मेरा वोट सुरक्षित है। बहुत अच्छी तैयारी की गई है, पूरे नए मशीन नए वर्जन की लगाए हैं 2017 मेड, इस तरह की, इसलिए आज कोई शिकायतें नहीं है। वीवीपैट्स में कोई शिकायतें नहीं है, जिसके चलते पिछले बार चेंजेज हुए थे उस मशीन में कोई परेशानी नहीं हुई। कितने बूथों पर चुनाव कराया जा रहा है? अभी 27 बूथों पर कराया जा रहा है। हर एक बूथ पे पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है। इसके अलावा हमारे सेक्टर जोनल और जो सुपर जोनल के पदाधिकारी हैं वो भी घूम रहे हैं। मैं और डीएम साहब भी जायजा ले रहे हैं जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ पे हो रहा है वोटिंग। तो अभी तक ऐसी कोई भी शिकायत नहीं है आई है, सभी जगह बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया जा रहा है। बिहार में हुए उपचुनाव पर सभी पार्टियों के नेता अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। महागठबंधन हम लोगों का, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी और जीतनराम मांझी जी का महागठबंधन, तीनों सीट पर हम लोग जीतने वाले हैं। अररिया तो एकदम से हम लोग लाखों लाख वोट से जीतेंगे लोकसभा, उसके बाद जहानाबाद और भभुआ दोनों हम लोग बहुत ही अच्छे, कम से कम 25 से 50 हज़ार के अंतराल में जीतने का काम करेंगे। देखिए, हम लोग तीनों सीट पर जीतेंगे
और जनता ने विकास को अपनाया है और विकास को अपना कर करके हम लोग के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया है, चाहे भभुआ हो, चाहे जहानाबाद हो, चाहे अररिया हो, इन तीनों सीट पर भारी मतों से हमारे उम्मीदवार विजय होंगे। देखिए, मुझे तो पूरा भरोसा है कि एनडीए जीतेगा तीनों सीट पर, लोगों का झुकाव एनडीए की ओर है, परिणाम कल आएगा, आने दीजिए। बड़ी खबर पटना से आ रही है। 18 मार्च को युवा जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक होगी। पंचायत स्तर पर युवाओं को जोड़ने पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। बैठक का राष्ट्रीय अध्यक्ष शुभारंभ करेंगे। विद्यापति भवन में यह बैठक होगी। युवा प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुशवाहा ने इसकी जानकारी दी है। तो 18 मार्च समय तय किया गया। 18 मार्च के दिन युवा जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक पटना में होगी। पंचायत स्तर पर युवाओं को जोड़ने पर, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पार्टी से जोड़ा जाए, इसको लेकर इस बैठक में चर्चा होनी है। राजधानी पटना में बढ़ते अपराध पर एसएसपी मनु महाराज ने अहम बैठक बुलाई है। बैठक में डीएसपी, सिटी एसपी समेत सभी अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मनु महाराज ने क्राइम कंट्रोल के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। दरअसल एसएसपी मनु महाराज ने ट्रेनिंग से लौटने के बाद यह अहम बैठक की। तो अपराध की घटनाएं जो हैं, आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, इसको लेकर एसएसपी मनु महाराज ने चिंता जताई और इसको लेकर तमाम अधिकारियों को बुलाया, एक बैठक की। इस अहम बैठक में कई निर्देश भी दिए गए अधिकारियों को। ट्रेनिंग से लौटने के बाद एसएसपी ने यह बैठक की। छपरा जिले के दरिहरा उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज में सोमवार देर रात अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ की। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं के सर्टिफिकेट, स्कूल का लेटर पैड, मुहर के अलावा कई महत्वपूर्ण कागजात नष्ट कर दिए गए। बदमाशों ने स्कूल के दो कमरों के दरवाजे भी तोड़ दिए। स्कूल में पहले भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। 2015 में स्कूल के कई कंप्यूटर और पंखे की चोरी हो गई थी। स्थानीय थाने में मामला दर्ज होने के बाद छानबीन शुरू कर दी गई है। किशनगंज पोस्ट ऑफिस में ग्राहकों के खाते से पैसे का गबन करने के का मामला सामने आया है। कई संवेदकों ने पोस्ट मास्टर पर ही खाते से राशि के गबन का आरोप लगाया है। संवेदकों का कहना है कि उन लोगों ने टेंडर डालने के लिए लाखों रुपए ट्रांजिट डिपॉजिट के जरिए खाते में रखे थे, लेकिन नियमानुसार जब ट्रांजिट डिपॉजिट का 3 साल पूरा होने पर संवेदक अपने खाते से पैसे निकालने पहुंचे तो खाते में पैसे नहीं थे, पैसा गायब था। संवेदकों का कहना है कि जब इस मामले पर पोस्ट मास्टर से बात की जाती है तो खाते में पैसा होने की बात से इंकार करने के बाद एफआईआर करने की धमकी दी जाती है। वहीं डाकघर के पोस्ट मास्टर का साफ कहना है कि संवेदकों ने अपने खाते से सारे पैसे निकाल लिए हैं तो पैसा कहां से आएगा। संवेदकों ने इस मामले को लेकर पोस्ट ऑफिस के आलाधिकारियों से लिखित शिकायत कर मामले की जांच कराने को कहा है। पैसा किसी सबके अकाउंट में जमा हुआ है? अकाउंट में है नहीं। कहाँ गया आपके अकाउंट में? नहीं है तो ये पोस्ट ऑफिस तुम्हारे हाथ में दिया था ना सर? नहीं, पैसा कोई नहीं दिया। काउंटर में आप अपने मर्जी से बैठते थे कि अधिकारी का मर्जी से? अपने मर्जी से, मतलब काउंटर के अंदर रहते थे, कोई भी काम आता था अधिकारी आपको बैठने के लिए बोलते थे ना? एजेंट है वो, उसको बिहार सरकार एजेंट ऑथराइज किया है, वो काम करता था। बोल रहा है जो मेरा पैसा लिया है, लेकिन कैसे पैसा लिया टीवी से, इसका कहीं कोई सबूत नहीं। इसकी इंक्वायरी होगी, हमारी डिपार्टमेंट हमने आगे बढ़ा दिया है। उस दिन जो मौखिक रूप से दिया, आगे इन्वेस्टिगेशन टीम हमारी जाँच करेगी। लोगों ने टीवी बनाने के लिए यहाँ पैसा दिया, मैंने सबसे पहले ये है कि हम ये अकाउंट में पैसा जमा करना था, वो जो पहले एनएससी बनवाए थे, एनएससी को मैंने ये मेच्योरिटी हो गया था उसका, तो मेच्योर्ड एनएससी को वहाँ दिए। हम बोले कि इसको मेच्योर करके मेरा अकाउंट में पैसा डाल के उसके बाद हमको टीडी बना के दीजिए। हमने प्लेजिंग लेटर भी ला के दिया, सारा चीज किया, लेकिन आज तक हमको टीडी नहीं मिला। मेरा पैसा खाता में ना जमा है और ना हमको टीडी मिला, सारा पैसा खा गया है। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को एक बड़ा तोहफा दिया है। मिनिमम बैलेंस न रखने पर लगने वाले जुर्माने में एसबीआई ने 75% की कटौती कर दी है। बड़े शहरों में अब अकाउंट होल्डर्स को 50 रुपए की जगह 15 रुपए, छोटे शहरों और गांवों में अकाउंट होल्डर्स को 40 रुपए की जगह 12 और 10 रुपए हर महीने देने होंगे। खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।